अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफा फिर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, आपको पता है हमने एक लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम जो है जो फिजिक्स के मैट्रिक और एफएससी के जो पास पेपर्स हैं वो बेसिकली हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं फेडरल बोर्ड के। हमने स्टार्ट जो है वो 9th क्लास की फिजिक्स के पास पेपर से लिया था, और हमने पिछले वीडियोस में 2019, 2018, 2017 इनके पेपर्स को जो है बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया है और समझने की कोशिश की है। आज जो है वही 2016 का पेपर हमने कंटिन्यू किया हुआ है, और इस पेपर को जो है इसका एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें हमने 2016 के पेपर के जो एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस किए थे, बड़े डिटेल वे में समझने की कोशिश की थी। आज इसी के जो सेक्शन बी है 2016 के पेपर का, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और चलें आप कर लेते हैं इस वीडियो का आगाज। तो एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ वो जो 2021 के जो एग्जाम हुए थे कोरोना की वजह से, उसमें कुछ स्मार्ट सिलेबस जो है वो दिया गया था जिसकी वजह से कुछ उन्होंने जो है वो टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए थे। लिहाजा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए भी हैं, गिने चुने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, जो मैंने डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये उस स्मार्ट सिलेबस 2021 का पार्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ मैं वो क्वेश्चंस भी शेयर करूं तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो क्वेश्चंस भी जो है शेयर कर लूंगा, डिटेल वीडियो बना लूंगा। तो चलें अब हम इस की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा पेपर है इसमें सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं, 2016 का 9th क्लास फिजिक्स का ये पेपर है फेडरल बोर्ड का। तो क्वेश्चन टू में सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली व्हाट इज मीन्ट बाय मैकेनिक्स एंड जियोफिजिक्स। ठीक है जी, अब देखें आपकी 9th क्लास की फिजिक्स की जो बुक है स्टार्ट में ही उसमें पहले फिजिक्स को डिफाइन किया जाता है, फिर उसकी ब्रांचेस डिफरेंट जो है वो बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की जाती हैं, 12-13 आप लोगों को दिखाई समझाई जाती हैं उस टाइम 9th क्लास में। उसमें मैकेनिक्स तो सबसे पहले जो है हाईलाइट किया जाता है, जियो फिजिक्स भी उसमें यकीनन होती है। तो इन मैकेनिक्स और जियो फिजिक्स का से क्या मुकाबला है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो लेकिन खैर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिक्स बेसिकली मैकेनिक्स वर्ड से जाहिर है मोशन, ऑब्जेक्ट्स की मोशन। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन से रिलेटेड जो है वो पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। और जियो फिजिक्स तो फिजिक्स स्टडी है, जियो मीन अर्थ, जमीन की स्टडी जो है, अर्थ की स्टडी जो है उसे हम जियो फिजिक्स कहते हैं। बाकी स्पेसिफिकली इनमें हम क्या चीजें देखते हैं, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स होती है, डायनेमिक्स होती है, तो ये भी बाकी आगे मजीद डिटेल डिस्कशन है। तो अगर आप लोगों को वो डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आपके साथ वो डिटेल डिस्कशन में जो है वो जरूर शेयर करूंगा। तो चलें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। ये है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि इनिशियली वो रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिफर है, वो जीरो है। राइट डाउन चेंज इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है,
और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे चेंज होगी, आप वो लिख के बताएं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बी और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी। अब देखें जब ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो सिफर है। अब वो चलता है रेस्ट से, तो अब हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजिंग्स आएंगी, क्या मॉडिफिकेशन आएगी, हमने वो लिखना है। तो पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हमें पता है वी एफ क्या होता है, वी आई प्लस ए टी होता है। आप एक काम करें, आप वी आई को 0 पुट कर दें, क्यों, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, तो वी आई 0 आप पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, वी एफ इक्वल 0 प्लस 8 टी, तो ये आ जाएगा वी एफ इक्वल टू 8 टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वी एफ इक्वल वी आई प्लस 8 टी। जब हमने ये कंडीशन जो हमें गिवन थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, वी आई जो है उसकी वो 0 होती है, ये जब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, ये बन गई वी एफ इक्वल टू 8 टी। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 8 टी से हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई होके चेंज होके क्या आ गई, वी एफ इक्वल टू 8 टी। याद रखिएगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तब जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इक्वल टू 8 टी हो जाती है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम देख लेते हैं कि उनमें क्या चेंजिंग आएंगी। तो ये हमारे पास है जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इनिशियल वेलोसिटी जो है मैंने आपको बताया क्या है, 0 है ना, तो 0 पुट कर दें तो 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो वो सारी चीजों को 0 कर देती है, तो ये सारी चीज जो है वो 0 हो जाएगी। आपके पीछे क्या बच जाएगा, एस इक्वल 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर जो है हमारे पास बच गया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चेंज होके क्या बन गई, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखिएगा ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाती है, वो बन जाती है एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अच्छा जी, पहले तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वी आई को जो है वो सिफर जो है वो पुट कर देना है। आप वी आई को सिफर पुट कर देंगे तो अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस सिफर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू vf स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर से हमारे पास क्या आ गई, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर। फिर याद रखिएगा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तब है जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सिफर हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। रेस्ट से स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो वी आई है, वो सिफर है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आप बताएं कि जो तीनों इक्वेशंस हैं मोशन की वो किस तरह मॉडिफाई होंगी, उनमें क्या चेंजिंग आएगी। तो हमने वन बाय वन तीनों इक्वेशन लिखी, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखी, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। हमने किया क्या, हमने सिंपल ये किया कि जो हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है,
मतलब वी आई जो है वो सिफर है, वो हमने तीनों इक्वेशन में पुट की, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और वहां से हमने देखा कि जो चीज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन इससे सिंपल होके किस पे आ जाती है, तो ये वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से वी एफ इक्वल टू ए टी बन गया, क्यों, क्योंकि वी आई जीरो था इनिशियल कंडीशन जो थी। इस तरह सेकंड इक्वेशन जो थी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इससे चेंज होके एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, क्योंकि वी आई सिफर था, टी से मल्टीप्लाई हुआ सिफर, तो वो सिफर ही ये सारा फैक्टर कर गया। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमारे पास टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से चेंज होके टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर जो है वो बन गई, क्योंकि वी आई सिफर था तो ये वाला फैक्टर जो है वो जीरो हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मॉडिफाई हो गए। एक सिर्फ कंडीशन हमने लगाई कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो जब स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो सिफर है, मतलब वो रेस्ट पे था इनिशियली। तो चलिए, हमने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ओके, ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रिपिटल फोर्स एंड आल्सो गिव इट्स फार्मूला। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला जो है वो आपने लिखना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला जो है वो क्या होता है। अब देखें, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जिस तरह सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा गया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एंड गिव इट्स फार्मूला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड आल्सो गिव इट्स फार्मूला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, या ये भी पूछ सकते हैं आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस तरह जो है वो चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। तो आपने जो है तैयारी जब भी करनी है तो इन चीजों को भी अपने जेहन में रखना है। इसी तरह क्वेश्चन चेंज होते हैं और नया कुछ भी नहीं होता, इन्हीं क्वेश्चंस को ही थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया जाता है लेफ्ट राइट चेंज करके। तो बहरहाल फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है और इसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज को एक सर्कल के अंदर, एक दायरे के अंदर जो है मूव कराती है। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो सर्कल में जो है मूव करते हैं, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो होती है ये हमेशा हमेशा जो है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करती है, और इसे हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि फोर्स है तो इसलिए एफ, और सेंट्रिपिटल फोर्स है तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम छोटा सा सी डाल देते हैं, तो एफ सी स्टैंड फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखें, सेंट्रिपिटल फोर्स को हमने डिफाइन कर दिया, इस क्वेश्चन की आधी डिमांड हमने पूरी कर दी, और इतना लिखने पे आपको, ये 3 नंबर का की क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। क्या सेंट्रिपिटल फोर्स को हमने डिफाइन किया, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, और इसे सिंबल एफ सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके, फाइन, फेयर इनफ। अब उसने सेकंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन का कि इसका फार्मूला आप लोग लिखते हैं, तो अब फार्मूला हम लिखेंगे तो बकाया 1.5 नंबर जो है वो आपको तब मिलेंगे। तो फार्मूला सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर आवर आर, ये फार्मूला है सेंट्रिपिटल फोर्स का। अब यहां से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो
किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो आप मुझे इस फार्मूले को देख के बताएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक तो डिपेंड करती है उस सर्कल के रेडियस के ऊपर जिसके अंदर जो है वो बॉडी हमारा जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। सेकंड, बॉडी का ऑब्जेक्ट का मास कितना है। थर्ड, उस सर्कल में ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक तो सर्कल का रेडियस क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है, थर्ड किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है उस सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर आपसे वो ये पूछ ले कि बताएं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है, तो आपने सिंपल लिखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, रेडियस ऑफ सर्कल जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। और अब देखें, अगर एक मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर ऑब्जेक्ट जिस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है उसका रेडियस ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तब कम होगी या ज्यादा होगी? जी, मैंने कहा कि अगर जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट जिस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस जो है वो अगर ज्यादा है, ज्यादा कर देते हैं सपोज, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसके ऊपर लग रही होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो इसका सिंपल आंसर है, ये देखें यहां से आपको नजर आ रहा होगा एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, एम और वी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। रेडियस को बढ़ाएंगे तो एफ सी कम हो जाएगी, मास और वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो एफ सी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं कि रेडियस, मास और वेलोसिटी को वेरी करने से सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो है वो क्या अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखें ये वही क्वेश्चन आ गया जो लास्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो है फर्क बताएं। अब देखें, ये अब तक आपको इस बात का जो है वो आइडिया जो है वो हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास स्मॉल जी है ना, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, और ये जो हमारे पास कैपिटल जी है ना, ये बेसिकली होता है हमारे किस लिए होता है, ये होता है, इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कहते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, इन दोनों में क्या फर्क है, तो वो देखते हैं। जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखिए इसने यही लिख दिया, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, ये जो स्मॉल जी है ये बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडीज होते हैं उनमें जो है प्रोड्यूस्ड होती है, और फ्री फॉलिंग बॉडीज में क्यों प्रोड्यूस्ड होती है, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से। तो ये तो आ गई कहानी जी की, क्या कहानी है ये वो। अब इस कैपिटल जी जो है ये क्या चीज है, एक और बात, इस स्मॉल जी की वैल्यू जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अर्थ की सरफेस पे। इस तरह अगर मून पे हम चले जाएं तो इसकी वैल्यू वहां पे जो है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि जी की वैल्यू जो है ये वेरी करती है सरफेस टू, मतलब आप कहाँ पे बात कर रहे हैं इस चीज पे ये डिपेंड करती है। अगर आप अर्थ सरफेस पे हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अप्रोक्सीमेटली आप इसे 10 भी ले सकते हैं, और अगर आप किसी और प्लेनेट पे हैं तो इसकी वैल्यू जो है फिर कुछ और होगी। जबकि ये जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, इसे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जो है वो कहते हैं,
और इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और ये यूनिट जो है वो कैसे आती है, ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सिंपल ये कहता है कि दो मैसेज के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो हाँ, एक बात याद रखनी है कि चार्जेस के केस में ना, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है और रिपल्शन की भी फोर्स हो सकती है, लेकिन जो मैसेज है यहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे जो है वो रिपल्शन नहीं होती। एक मिनट वेट करें। ओके जी, मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट ये कैसे आती है, मैं आपको इसका ओरिजिन जो है वो बता रहा था। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस होते हैं ना, उनमें अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, लेकिन जो मैसेज है इनके बीच में रिपल्शन नहीं पॉसिबल, इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो बेसिकली क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है उन ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के प्रोडक्ट के, लेकिन जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है उसका। तो आपने जो है वो ये चीज जो है वो अब याद रखनी है। तो जब फिर हम वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होता है तो एक कांस्टेंट हमारे पास आता है जो ये कैपिटल जी होता है, वही जी है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है वो कह रहे होते हैं। तो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम जी की यूनिट देखना चाहते हैं तो जी को हम ऐसे ही रखेंगे और एफ के साथ आर स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी बन जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। तो अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, जी किसके बराबर है, एफ की यूनिट न्यूटन होती है, आर स्क्वायर आर की यूनिट मीटर होती है और स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई एम वन एम टू, मास की यूनिट के जी है, के जी स्क्वायर, जब ये ऊपर आ जाएगा तो के जी माइनस टू बन जाएगा। तो ये इस तरह ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है वो यूनिट आप मेमोराइज कर सकते हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो होती है ये 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10^-11 जो है वो होती है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अब क्या फर्क है, स्मॉल जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये प्रोड्यूस्ड होती है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में, किस वजह से, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से, और इसकी वैल्यू जो है जमीन की सरफेस पे 10 m/s² है, जबकि कैपिटल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो अब आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क जो है वो करना आना चाहिए और आपने ये चीज जो है वो भूलनी नहीं है, ये बहुत एक बेसिक चीज है और कोई भी आपसे पूछ सकता है, और ये ऐसी चीज है जिसको आपको हर वक्त जो आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट जो है वो इसका क्लियर होना चाहिए ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको उस टाइम जो है वो परेशानी ना हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना टाइम चाहिए 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक 20 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगा के। सबसे पहले जब प्रॉब्लम होते हैं ना उसमें पहले आप ना डेटा लिखा करें ऊपर जो आपके पास गिवन होते हैं। तो
आप ये समझ लें कि अगर 3 या 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है ना, तो उसमें से एक नंबर आपका ऊपर डेटा लिखने का होता है। तो देखें ये बेसिकली जो न्यूटन सेकंड है ना, तो ये बता रहे हैं कितना टाइम चाहिए कि अगर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं और जो चेंज इन मोमेंटम आए ऑब्जेक्ट में वो 22 न्यूटन सेकंड का हो। इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंज जो है वो गिवन है। चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम में चेंज का क्या मतलब है कि PF - PI, क्योंकि मोमेंटम को हम सिंबल पी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो PF - PI हमारे पास किसके बराबर है, ये 22 न्यूटन सेकंड के बराबर है। ठीक है, अब फोर्स गिवन है वो है 20 न्यूटन है। हमने क्या करना है, हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है। अब देखें ये फार्मूला बार बार आ रहा है, अब आपको ये फार्मूला हिफज हो जाना चाहिए कि जो फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, कि फोर्स जो है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट का लफ्ज मैं यूज करता हूँ तो उसमें का मुराद ये होती है कि ये जो मोमेंटम में चेंज है वो टाइम के हिसाब से है। ठीक है, तो इसलिए अगर जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब मैंने कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है यहाँ पे चेंज जो मोमेंटम में है वो ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से ही है। तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो यहाँ से हमने क्योंकि फाइंड करना है टाइम को, तो इसको इस साइड ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, टी उधर चला जाएगा तो ये एफ जो है इस चीज के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बन गया टी टी इक्वल टू PF - PI डिवाइडेड बाई एफ। आप देखें चेंज इन मोमेंटम जो है वो गिवन है हमारे पास, वो 22 न्यूटन सेकंड है। यहाँ पे आप पुट कर दें इसकी जगह पे सारे की जगह, और एफ जो है वो भी हमारे पास गिवन है, वो 20 न्यूटन है ये एफ जो है, तो आप ये पुट कर दें। अब आप दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1.1 सेकेंड। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन था कि अगर 20 न्यूटन की एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट में 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम चेंज लाने के लिए। तो हमने एक कंसेप्ट यूज किया कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो चेंज इन मोमेंटम हमें मालूम था, टाइम हम दूसरी साइड ले गए, फोर्स नीचे इसकी डिवाइड हुई, फोर्स भी गिवन थी, दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास टाइम जो है वो 1.1 सेकंड जो है वो आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये आप हिफज कर लें, ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। क्या ये कंसेप्ट है कि जो फोर्स होती है वो मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड होती है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द बेस ऑफ अ व्हीकल मेड वाइड। ये जो हमारे पास व्हीकल्स होती है ना गाड़ियां, इनकी बेस जो है वो वाइड बनाई जाती है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, जो व्हीकल्स होती हैं उनकी बेस जो है वो वाइड बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है वाइड। तो इसका जवाब है जो बेस होती है व्हीकल की वो वाइड बनाई जाती है ताकि जो वर्टिकल लाइन पास कर रही है इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो इसकी बेस से बाहर ना आ जाए जब व्हीकल जो है वो टर्न कर रही हो। तो दिस इज डन टू अवॉइड अवर टर्निंग ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग टर्निंग, ताकि और टर्निंग के दौरान ओवर टर्निंग ना हो जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो बेस होती है व्हीकल्स की वो वाइड बनाई जाती है। ठीक है जी, क्या समझ आया। क्वेश्चन था कि ये जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं इनकी बेस जो है ये वाइड क्यों बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल आंसर है, इसका आंसर है कि ये जो व्हीकल्स होती हैं इनकी बेस जो है वाइड इसलिए बनाई जाती है ताकि जब व्हीकल जो है वो टर्न लेने लगे तो वो ओवर टर्न जो है वो ना हो जाए। तो इस ओवर टर्न के डेंजर को अवॉइड करने के लिए जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं उनकी बेस जो है वो वाइड बनाई जाती है। सेकंड, इसलिए भी वाइड बनाई जाती है, और वाइड बनाने से क्या होता है, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इन व्हीकल्स का
वो इनकी बेस से बाहर नहीं आता जब टर्न लेते हैं। तो बेस व्हीकल्स की वाइड बनाई जाती है, दो वजह इससे, वजह एक है, उससे एक फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि जो वर्टिकल लाइन होती है ये व्हीकल से जो पास कर रही होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो उसकी बेस से बाहर नहीं आती जब टर्न लेती है व्हीकल। और फायदा ये होता है कि ये जो व्हीकल्स की बेस वाइड बनाने से कि ड्यूरिंग आवर टर्न जो व्हीकल जो है वो आवर टर्निंग नहीं होती व्हीकल की, तो ये चीज जो है आवर टर्निंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। तो व्हाई इज द बेस ऑफ व्हीकल मेड वाइड? द बेस ऑफ व्हीकल इज मेड वाइड सो दैट वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस ड्यूरिंग अ टर्न। दिस इज डन टू अवॉइड आवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग टर्निंग आवर टर्निंग ना हो जाए व्हीकल की। इसको अवॉइड करने के लिए व्हीकल्स की बेस जो है वो वाइड बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉन्स्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कह रहा है, डिटेल में थोड़ा सा बताएं समझाएं कि जो ग्रेविटेशन लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो उसके एग्रीमेंट है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सेकेंड, आपको फिर पता होना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है। अब देखें, जो न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मैसेस के दरमियान, पॉइंट मैसेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है उसके स्केयर के। ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसे कहते हैं। सेकेंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसकी दो तीन एग्जाम्पल्स जो है डेली लाइफ से मैं आपको दे देता हूँ, ताकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको नेक्स्ट टाइम जो है कभी भी भूले ना, हमेशा याद रहे। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और जो के एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक्शन की, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है एक्शन के। ठीक है, तो ये तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट थी। अब आपसे कोई पूछे कि आप डेली लाइफ में कोई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एग्जांपल्स दें, तो आप क्या देंगे? आप एग्जांपल्स ये दे सकते हैं कि आप एक काम करें, आप एक बैलून लें, उसमें आप हवा भर दें। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, हवा भर के आपने उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया। हवा बाहर भी है लेकिन बैलून के अंदर अब जो हवा होगी वो हाई प्रेशर पे होगी, बाहर जो हवा है वो लो प्रेशर पे है। अब एक नेचर का कानून है कि हर चीज जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो दौड़ती है। तो अब आप न्यूटन थर्ड लॉ की जो है इसे फिजिकली देखना चाहते हैं, तो आप एक काम कर दें कि आप जो है इस बैलून को जो है वो एक जो है इसके ऊपर जो है आप एक टेप से धागे के साथ फिक्स कर लें, और वो जो धागा हो वो दो डिफरेंट एंड्स पे जो है वो आप जाके फिक्स कर दें, ताकि एक दीवार से दूसरी दीवार तक फिक्स कर दें। और अब आपने क्या किया, बैलून में हवा भरी हुई है और उसको जो है ऊपर से टेप के साथ, उस धागे के साथ जो है आपने फिक्स किया। अब आप क्या करेंगे, आप एक डायरेक्शन में जो है आप वो बैलून को जो है वो छोड़ें। तो अब क्या होगा, अब देखें जिस डायरेक्शन में आप, अब देखें आप सपोज, अब जब बैलून से हवा बाहर आएगी, बाहर ही आएगी ना, हाई प्रेशर के साथ आएगी, क्यों, क्योंकि अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। तो हवा जो है हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगी एक डायरेक्शन में, ये एक्शन होगा। ठीक है, ये एक्शन होगा एयर का, और रिएक्शन के तौर पे क्या होगा, जो आपका बैलून होगा वो दूसरी संमत में जो है वो दौड़ेगा। एक्शन क्या था, आपने वो बैलून
जो बैलून के जो था उसका जहां से आगे से आपने उसे पकड़ा हुआ था वो आपने रिलीज किया, जो हाई प्रेशर को एक लो रीजन मिला तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागी गैस, ये एक्शन था गैस का। और रिएक्शन के तौर पे क्या हुआ, आपका जो बैलून था वो एयर जिस डायरेक्शन में रिलीज हो रही है उसकी ऑपोजिट सिमत में जो है वो आपका बैलून भाग गया। तो ये बड़ी बेहतरीन एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसे आप एक्सपेरिमेंट को घर में करके भी देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली वहां पे आपको न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता हुआ वो नजर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ की आपके जहन में आती हो? बिल्कुल है। जब आप जमीन के ऊपर चलते हैं तो आप के क्या करते हैं, आपके जो पाँव हैं उससे आप पुश करते हैं जमीन को पीछे की तरफ, तो ये आपका एक्शन होता है जमीन के ऊपर। और रिएक्शन के तौर पे जमीन क्या करती है, वो आपके पाँव को जो है वो आगे की तरफ पुश कर देती है। तो ये भी बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन की एक बड़ी बेहतरीन डेली लाइफ एग्जाम्पल है। और इवन हमारा जमीन के ऊपर चलना भी एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। एक बहुत बेहतरीन और बहुत एडवांस एग्जाम्पल जो है एक्शन एंड रिएक्शन की वो ये है कि ये जो रॉकेट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जब गैसेस बर्न होती हैं इनमें, बेसिकली जब फ्यूल बर्न होता है तो रॉकेट्स में हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये बड़ी जो है हाई प्रेशर गैसेस होती हैं। तो और जब जो है ये बेसिकली फ्यूल के बर्न होने की वजह से होती है गैसेस प्रोड्यूस, और जब ये गैसेस जो है वो हाई प्रेशर से ये जेट या रॉकेट के नोजल से बाहर आती हैं तो ये एक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन के तौर पे क्या होता है, जो हमारा रॉकेट होता है या जेट जो होता है वो स्पेस में चला जाता है। तो ये एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो इस तरह और बेतहाशा एग्जाम्पल हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। खैर, अब हम वापस मुड़ आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखें इसमें मैं आपको कह रहा हूं कि आप अब देखें ना, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंसिस्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, हमने क्या करना है इस चीज को जो है वो इसके हक में जो है हमने कुछ दलील देनी है। तो आप सपोज कर लें कि दो मैसेज है हमारे पास, एक M1 है दूसरा M2 है, सच दैट M1 अट्रैक्ट M2 टुवर्ड्स इट। दो मैसेज M1 और M2 हैं, इस तरह के मैसेज हैं कि M1 M2 को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F के साथ, जबकि मैस M2 वो M1 को अट्रैक्ट कर रहा है और सेम मैग्नीट्यूड फोर्स F के साथ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दो मैसेज हैं, एक M1 दूसरा M2, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स F के साथ ही, लेकिन जाहिर है एक जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है दूसरा उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन F1 इज कंसिडर्ड एज एक्शन, तो अगर जो M1 M2 के ऊपर फोर्स F लगा रहा है उसे हम एक्शन कंसिडर करें, तो जब जो फोर्स M2 तो अच्छा अगर जो M1 के ऊपर फोर्स लग रही है M2 की वजह से उसे हम एक्शन लें कंसिडर करें, और तब हमारे पास क्या होगा, जो M2 के ऊपर फोर्स लग रही होगी M1 की वजह से वो उसका रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल देखें कैसे सिंपल सी एनालॉजी बना के ये प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किए। हमने दो मैसेज अज्यूम किए, इस तरह के मैसेज M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स F के साथ, और इसी तरह M2 जो है वो M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड F के साथ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स जो M1 के ऊपर लग रही है उसी एक्शन हम कंसिडर करें तो फिर जो M2 के ऊपर फोर्स लग रही होगी वो रिएक्शन होगा। तो और ये बेसिकली ये जो एक्शन और रिएक्शन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ऑपोजिट इनकी डायरेक्शन है। तो यही तो चीज जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये दलील है इस बात की कि
जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कंसिस्टेंट है किसके, न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन के। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर। एक तो आपने बताना है कि पावर की यूनिट जो है कौन सी है, उसका नाम बताना है। सेकंड, फिर आपने उस यूनिट को जो है वो डिफाइन कर देना है। तो पावर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसे हम पावर कहते हैं। तो पावर की यूनिट जो है, अच्छा, PW/T होता है, और W वर्क होता है, T सेकेंड टाइम होता है, तो जूल पर सेकेंड, इसे वाट कहते हैं। तो पावर की जो यूनिट है उसका नाम है वाट, ठीक है, आपने याद रखना है वाट, ये पावर की यूनिट है। और पावर की यूनिट वाट को डिफाइन कैसे करेंगे, वाट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि पावर जो है एक बॉडी की, वो हम कहेंगे 1 वाट है जब ये बॉडी जो है 1 जूल जो है वो वर्क डन कर रहा हो, किसमें, 1 सेकंड में, ठीक है। तो क्या यहाँ से पता चला, पावर की यूनिट जो है वो वाट है, और वाट पावर जो है, वाट जो है पावर जो है वो, पावर जो है वो 1 वाट होगी अगर बॉडी जो है 1 जूल वर्क जो है वो 1 सेकंड में जो है वो कर रहा हो। इस तरह बहुत सी पावर की बड़ी यूनिटें भी हैं, जिस तरह किलोवाट है, मेगावाट है, हॉर्स पावर है। तो ये रिलेशन आपने याद रखनी है, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। तो 1 किलोवाट जो है ये बराबर होता है 10^3 वाट के, या फिर 1000 वाट इसे लिख सकते हैं। 1 मेगावाट जो है ये बराबर होता है 10^6 वाट के। तो ये आप 3 6 सिफरे हैं, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 1 हॉर्स पावर है ये 746 वाट के बराबर होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है हॉर्स पावर और वाट के दरमियान, कि 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो ये आपने याद रखना है, इसे आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ को जो है आपने स्टेट करना है, मतलब आपने थोड़ा सा इसके बारे में बताना है, पहले डिफाइन करना है, फिर इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का आप बता दें 3 से 4, 4 से 5 लाइनों में। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है जी, प्रेशर एग्जर्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। क्या कह रहा है, कहते हैं पास्कल लॉ कि एक लिक्विड के ऊपर बायर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा होता है वो क्या हो जाता है, वो तमाम डायरेक्शंस में बराबर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ये पास्कल लॉ की जो है वो डेफिनेशन है, बड़ी सादा सी। इस लॉ की अब कुछ बड़ी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसकी एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेस हम यूज क्यों करते हैं, ये हम बेसिकली जो हमारे पास रॉ कॉटन या क्लॉथ वगैरह होते हैं, इनको हम बेसिकली बेल्स में प्रेस करने के लिए जो है, कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये जो पास्कल लॉ है इसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में भी यूज करते हैं, और हाइड्रोलिक जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उनमें भी पास्कल लॉ जो है वो यूज होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सर्विस स्टेशन होते हैं, कार्स को लिफ्ट करने के लिए, वॉशिंग पर्पजेस के लिए, वहां पे भी हम लोग जो है पास्कल लॉ जो है वो यूज करते हैं। तो पास्कल लॉ की बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोलिक प्रेस में, सर्विस स्टेशंस में, कार्स को पिक करके वॉश करने के लिए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक मशीन्स में। तो ये बड़ी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी एक जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इफ द वैल्यू ऑफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 7.2 × 10^-5। गिवन हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल बीटा से, ये है 7.2 × 10^-5 पर केल्विन। और पूछा उसने हमसे क्या है, उसने कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपने बताना है। तो आपने ये सिंबल याद रखनी है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जाहिर है एक
अल्फा बीटा गिवन अल्फा फाइंड करना है तो इनकी कोई आपस में रिलेशन होनी चाहिए, कोई ताल्लुक होना चाहिए ना। तो इनका जो आपस में रिलेशन है वो है कि जो हमारे पास बीटा है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम के बराबर होता है। अब अल्फा फाइंड करना है तो ये 3 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा हमारे पास बच जाएगा बीटा बाई 3। तो अल्फा जो है बीटा की वैल्यू पता है 7.2 × 10^-5, आप यहाँ पे पुट कर दें, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आप तो आपके पास अल्फा जो है वो आ जाएगा 2.4 × 10^-5 पर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम। देखें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल एक कंसेप्ट यूज होना था और वो था कि इन दोनों के दरमियान अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है। एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एल्युमिनियम के लिए गिवन था और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एल्युमिनियम के लिए उसने पूछ लिया हमसे। हमें इन दोनों के दरमियान कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशन पता थी कि जो बीटा जो कि बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम है ये बराबर होता है 3 टाइम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के। यहाँ से हमने जो है वो जो अननोन था जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम था वो बड़े आसानी से हमने जो है वो फाइंड कर लिया। दोनों कोएफिशिएंट है लिहाजा इसी वजह से दोनों की यूनिट जो है पर केल्विन ही है। ओके अब देखें ये जो आगे 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं 11, 12, 13 ये मैं आपके साथ फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि रीजन वही है कि ये जो 2021 का कोरोना की वजह से स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड किए गए थे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहना है और तो मैं आपके साथ फिर इन क्वेश्चंस का भी जो है वो डिटेल वीडियो जो है वो शेयर कर लूंगा। तो मैं आपको एक दफा बस इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है अ कप ऑफ हॉट टी बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। क्यों, एक जो चाय का कप होता है ना गरम वो कुछ देर बाद जो है वो ठंडा हो जाता है, क्या वजह। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोइंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस इनटू वाटर स्टीम। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके जी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि आपने जो है एक टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जो है ग्राफ प्लॉट करना है जो क्या शो कर रहा हो, जब आइस जो है वो वाटर और फिर स्टीम में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हो, मतलब अपनी जब स्टेट्स जो है वो चेंज कर रहा हो आइस से वाटर फिर स्टीम, तो आप ये इसका एक टेम्परेचर टाइम जो है वो ग्राफ शो करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है What is an outward machine? एक outward machine जो है वो क्या होती है। तो ये तीनों questions वैसे बहुत important हैं, बहुत simple हैं। आपको अगर इनकी detailed discussion चाहिए तो आप लोग comment section में comment जो है वो जरूर कीजिएगा। Question number 14 है, 14 number question है Define center of gravity. Center of gravity को define कर लेते हैं हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है और ये बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस बॉडी की कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऐसा पॉइंट जिसपे एक ऑब्जेक्ट का एक बॉडी का होल वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है उसे हम ग्रेविटी ऑफ अ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉइंट जो है वो कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। कि एक अगर हमारे पर ट्रायंगुलर शीट है ना, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट है इसका जहां पे इसके मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी या ऑब्जेक्ट का
होल वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उससे बॉडी के वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने सिंपल देखी कि एक हमारे पास अगर ट्रायंगुलर शीट है, कोई यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट है, तो उसका जो जिस पॉइंट पे उसके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे पास जो है वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन स्ट्रेस, आल्सो गिव इट्स फार्मूला एंड यूनिट। स्ट्रेस को डिफाइन कर दें और इसका फार्मूला और यूनिट जो है वो बता दें। अच्छा, स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस नहीं है जो टेंशन में होती है, लेकिन मिलता जुलता ही है। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू फोर्स प्रोड्यूसिंग आर डिफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ऐसी फोर्स है जो डिफॉर्मेशन लाती है, डिफॉर्मेशन खराबियां लाती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजिंग जो आ जाती है तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइन एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सर्फेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स है जो के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन लाती है। डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेस जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, एफ बाई ए। तो इसकी यूनिट फिर क्या हुई? फोर्स पर यूनिट एरिया ना, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसे जो है वो पास्कल भी कहते हैं। ये आपने जो है वो बात याद रखनी है कि वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये वन पास्कल के बराबर भी होता है। तो चलें, आई गेस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं। मैं आपके साथ एक ब्रीफ व्यू करा देता हूँ। हमने जो है इस वीडियो में 2016 फेडरल बोर्ड फिजिक्स क्लास 9 का जो सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हमने बड़े ब्रीफली डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें 3-4 हमने वो डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके जो 2021 के कोरोना की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड किए गए थे। बाकी हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, इस मतलब उसकी वीआई जीरो है, तो अगर उसके लिए हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वो कैसे मॉडिफाई होती हैं। सिंपल तीनों इक्वेशन हमने लिखी, उसमें वीआई जीरो पुट करते गए और वो हमारे पास मॉडिफाई होकर इक्वेशन आ गई। वीएफ इक्वल टू एटी, एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, इसी तरह टू एस इक्वल टू वीएफ स्क्वायर। दिस इज हाउ equation of motion changes when object is initially rest or starts from rest, mean its vi equal to zero. फिर हमने कहा कि centripetal force एक ऐसी force होती है जिसकी वजह से objects जो हैं वो दायरे के अंदर जो है move करते हैं, और इसका formula जो हमने कहा कि mv square over r के बराबर होता है। फिर हमने small g और capital g में बहुत detailed differentiation देखी कि ये जो small g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इसकी वैल्यू जो है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और कैपिटल जी जो है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 × 10⁻¹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 ⁻¹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 ⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻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 ¹
की एक बड़ी अहम रिलेशन हमने देखी फोर्स और मोमेंटम की, जो है वो ये है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो रेट ऑफ चेंज या मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर होता है। तो अगर फोर्स आपको गिवन हो और चेंज इन मोमेंटम गिवन हो तो टाइम जो है वो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और ये वो टाइम है जिसकी वजह से इतनी फोर्स अप्लाई करने पे इतना हम मोमेंटम जो है वो उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कि ये जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं इनकी बेस जो है वो नॉर्मली वाइड बनाई जाती है। तो हमने कहा कि इसकी बेस वाइड बनाने का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो क्या हो जाती है, वो उसकी बेस से बाहर नहीं आती जब व्हीकल जो है वो टर्न लेती है। और ड्यूरिंग टर्निंग जो है ओवर टर्निंग का नुकसान जो है रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए व्हीकल का,
तो ड्यूरिंग अवर ड्यूरिंग टर्निंग अवर टर्निंग ना हो इसके लिए, इसलिए जब व्हीकल टर्न लेती है तो ड्यूरिंग टर्निंग अवर व्हीकल अवर टर्निंग ना हो इस चीज को जो है अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है व्हीकल्स की बेस जो है वो वाइड बनाते हैं। फिर हमने कहा कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कंसिस्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। हमने दो ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल ले ली, एक का मास m1 का, दूसरे का मास m2 का। m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स f के साथ, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है एग्जैक्टली उसी फोर्स के साथ, लेकिन जिसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। फिर हमने कहा जो फोर्स m1 के ऊपर एक्ट कर रही है वो अगर उसे हम एक्शन लें तो जो फोर्स फिर m2 के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो उसका रिएक्शन होगा। तो थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है उसके। तो यहाँ से हमें ये दलील मिली, तो ये इस बात की दलील है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट है। फिर हमने कहा कि पावर जो है इसकी यूनिट जो है वो वाट होती है, और वाट जो है पावर 1 वाट तब होगी अगर 1 सेकंड में 1 जूल जो है वर्क वो हो रहा है। फिर हमने कहा कि वाट की कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स भी हैं जिस तरह किलो वाट, मेगा वाट, हॉर्स पावर। फिर हमने उन्हें देखा कि इनकी वाट के साथ क्या रिलेशंस हैं। 1 किलो वाट 10^3 वाट के बराबर होता है, 1 मेगा वाट 10^6 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद रखनी है। फिर हमने पास्कल लॉ को डिफाइन किया और इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी कि पास्कल लॉ जो है ये कहता है कि अगर किसी लिक्विड के ऊपर बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है तो वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसकी एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक प्रेस में होते हैं जिससे हम ये जो रॉ कॉटन क्लॉथ वगैरह को बेल्स के अंदर जो है कंप्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक मशीन्स में इसकी एप्लीकेशन नजर आती है हमें पास्कल लॉ की। इसके अलावा पास्कल लॉ की एप्लीकेशन जो है ये सर्विस स्टेशन में यूज होती है जहाँ हम कार्स को वॉश करने के लिए जो है वो लिफ्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास किसी मेटल जिस तरह एल्यूमिनियम है इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन हो तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। और वो ये रिलेशन है कि जो बीटा है ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ये बराबर होता है 3 टाइम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम के। तो यहाँ से हमने बड़ी आसानी से जो है वो एक कोएफिशिएंट का पता होते हुए दूसरा कोएफिशिएंट जो है वो निकाल लिया। फिर 3 रीजंस हमने छोड़ी क्यों, क्योंकि ये कोरोना वायरस की नजर हुई हुई है। फिर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी बॉडी का होल वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा होता है। फिर हमने एग्जाम्पल एक यूनिफॉर्म ट्रेंगुलर शीट की देखी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे इसके मीडियम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने कहा स्ट्रेस एक फोर्स ही है। कैसी फोर्स है? ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफॉर्मेशन लेके आती है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है इस तरह स्ट्रेस को जो है हम डिफाइन करते हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया से हमने इसकी यूनिट जो है वो निकाली, इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और न्यूटन मीटर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है पास्कल ही होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे, हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, मुझे उम्मीद है आपकी और भी बहुत सी एम्बिग्विटीज और भी बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, आपको कुछ ना कुछ फिजिक्स की जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पता चली होंगी। और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलें मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद एक नई वीडियो के साथ जो बेसिकली इसी का सेक्शन सी, इस सेक्शन सी होगा, इसी पेपर की कंटिन्यूटी होगी। उसके बाद हम ये फिजिक्स क्लास नाइन्थ के पास्ट पेपर से जो है वो बाहर आ जाएंगे। चलें तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।